सिंपली यूट्यूब ने कैरी मिलाटी जी का वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, अगर अभी आप जाकर देखेंगे कैरी मिलाटी जी के चैनल में, तो यहाँ पे रोस्ट वीडियो जो आया था 3-4-5 दिन पहले अमीर सिद्दीकी के ऊपर, उस वीडियो को डिलीट किया गया, जो कि आप सभी को पता ही है कि कैरी मिलाटी जी रोस्ट वीडियो बनाते हैं। लेकिन आपने एक गौर किया कि इस वीडियो को ही क्यों डिलीट किया गया? क्योंकि कैरी मिलाटी जी ने बहुत सारे रोस्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों पे रोस्ट किए हैं, लेकिन उन सभी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जो कि इस वीडियो पे क्यों प्रभाव पड़ा? वो भी अगर YouTube को लगता था कि इस वीडियो में कुछ खराबी था, तो इस वीडियो को YouTube उस दिन ही डिलीट कर सकता था, क्योंकि YouTube अब बहुत सारे चीज को चेक करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कोई भी वीडियो का कॉपी करते हैं, तो वो तुरंत बता देते हैं कि इस वीडियो में आपने कॉपी किया है, कुछ पार्ट को कॉपी किया है। तो अगर इस वीडियो में YouTube गाइडलाइंस के खिलाफ था, तो उसे जल्द ही जिस दिन अपलोड किया गया उस दिन ही क्यों नहीं रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया? लेकिन 3-4 दिन के बाद क्यों डिलीट किया गया? यह सब बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपको YouTube पे बहुत ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसे कि अब शब्द भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन उन सब वीडियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बस इस वीडियो, कैरी मिलाटी जी का वीडियो जो कि आमिर सिद्दीकी के ऊपर रोस्ट था, इस वीडियो पे क्यों ही हुआ? तो पूरी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और अगर आप लोग भी एक यूट्यूबर हैं और आप लोग भी एक रोस्ट वीडियो बनाते हैं, तो इस वीडियो को आपको देखना बेहद ही जरूरी है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले, आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो को, जो कि रोस्टेड वीडियो है आमिर सिद्दीकी के ऊपर कैरी मिलाटी जी का, तो इस वीडियो को रिमूव करने का कारण यह हो सकता है क्योंकि इस वीडियो को 4-5 दिन के बाद रिमूव किया गया। अगर YouTube के गाइडलाइंस के खिलाफ होता, तो इस वीडियो को उस दिन ही डिलीट कर दिया जाता जिस दिन उसने अपलोड किया था। इसका मेन कारण हो सकता है कि कम समय में बहुत ज्यादा रिपोर्ट पढ़ना। जी हाँ, अगर कोई भी वीडियो पे ज्यादा रिपोर्ट होता है, तो उस वीडियो को YouTube क्या करता है कि चेक करता है कि सच में यह वीडियो मेरा कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है, तो उसे लगा होगा कि ये सच में कम्युनिटी गाइडलाइंस को उल्लंघन कर रहा है, तो उसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन बात यह है कि इसे ज्यादा रिपोर्ट पढ़ने के कारण से इसे रिमूव किया गया। तो आप लोग को पता चल नहीं चुका होगा कि रिपोर्ट किन्हीं ने किया होगा, किन लोगों ने रिपोर्ट किया होगा। तो अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं, अगर आप लोग भी अगर रोस्टेड वीडियो बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग रोस्टेड वीडियो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कम्युनिटी, यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाइए, जो कि आपका वीडियो डिलीट नहीं होगा कोई भी हद तक। जी हाँ, डिलीट होने का चांस एकदम भी नहीं रहेगा, जो कि और वीडियो में आप लोग अब शब्द भाषा का प्रयोग ना कीजिए, जिससे कि आपको बेहद ही रहेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो डिलीट होने का तो कोई चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी वीडियो में रिपोर्ट पड़ता है, तो इसे YouTube चेक करता है। तो YouTube को चेक करने के बाद लगा कि सच में इस वीडियो को डिलीट करना चाहिए, तो YouTube ने उसे कर दिया गया। और YouTube एक अंधा कानून है, आप उसे कुछ कर भी नहीं सकते। बस आप मतलब ट्विटर में ट्वीट कर सकते हैं, तो ट्विटर में ट्वीट किया जा रहा, देखते हैं कि कब तक YouTube इस वीडियो को मतलब वापस लेकर आता है, मतलब रिकवर करता है या रिकवर नहीं हो पाता है। अब जो भी होगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि कैरी मिलाटी जी से वीडियो के कोई भी अपडेट आता, तो मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।